हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक का इंग्लिश से VVI क्वेश्चन, जो आपके मैट्रिक एग्जाम में ये प्रश्न आपको आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाया जाए। तो इसीलिए मैं आपके कमेंट के ही अनुसार इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का आइकन आएगा उसको दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दिया गया है कि द पेस ऑफ लिविंग इज रिटेन बाय, यहाँ पे जो ये लाइन दिया गया है, ठीक है, ये आपका किताब से लिया गया है कि दिया गया द पेस ऑफ लिविंग, ये किसने लिखा है रिटेन बाय, ये किसने लिखा है, यानी इसके लेखक कौन है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी से केवल उसका आंसर ही बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से इसका आंसर मालूम चल जाए और गलत, चूँकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि चार ऑप्शन जानने पे आपको हो सके तो गलत ही ऑप्शन याद हो जाते हैं। तो इसका जल्दी मैं सही जवाब बता रहा हूँ, इसका होगा RC हंटिंगटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो दिया गया है कि इन द पीस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मैन, यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका अध्याय है द पीस ऑफ लिविंग, कि आधुनिक मनुष्य को पीड़ा को पकड़ा है। अतिरिक्त स्थान में आधुनिक शब्द के लिए, कि ये आधुनिक शब्द के लिए किस चीज़ का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, तो मॉडर्न का मतलब दोस्तों आधुनिक होता है, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब था वह होगा मॉडर्न। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है कि इन मी एंड द इकोलॉजी, ठीक है, बीट द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइज वेरी बॉडी दैट दे शुड टू ऑपरेट द, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो आपका ये भी किताब से लाइन लिया गया है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट, कि लेखक बात करता है कि कैसे वह सभी को सलाह देता है और परिस्थिति की रक्षा के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अतिरिक्त स्थान है परिस्थिति की, देखिए परिस्थिति के लिए यहाँ पे वर्ड का यूज किया जाएगा, वह आपका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा इकोलॉजी, चूँकि परिस्थिति के लिए इकोलॉजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर अगला दिया गया है कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिव एज इट इज .. फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, यहाँ पे बोला गया है कि ये नरेटर जो हैं मिस्टर विलियम को कहा कि पत्तियों को मत जलाओ, क्योंकि वो वायु और परिस्थितिकी दोनों के लिए बुरा है, अतिरिक्त स्थानों में बुरा के लिए। अब देखिए बुरा के लिए यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग करना है, एक्सीलेंट गुड का मतलब बुरा नहीं होता है, हेल्पफुल का मतलब उपयोगी ये होता है, बुरा नहीं होता, लेकिन बैड का मतलब बुरा होता है। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए हैं, 5 नंबर देखेंगे, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दिया गया है कि गिलू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बींग्स एंड ए ऑब्लिक एन, तो बोला गया है कि एक इंसान और जानवर के बीच सच्ची दोस्ती के बारे में रिक्त स्थान में जानवर के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जानवर के लिए आपका एनिमल का प्रयोग किया जाएगा, चूँकि एनिमल का मतलब जानवर होता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दिया गया है एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डॉट आफ्टर बीइंग अटैक्ड टू बॉडी बाय द क्रॉज, ये बोला गया अर्थात महादेवी वर्मा ने कहा कि इतनी बुरी तरह से कौआ द्वारा घायल किए जाने वाले गिलहरी जीवित नहीं रहेगा, और तब देखिए जीवित नहीं रहेगा, तो जीवित के लिए यहाँ पे कौन सा प्रयोग किया जाएगा वर्ड, यहाँ पे मूव नहीं होगा, ईट नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा लीव, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि द रॉ मटेरियल्स ऑफ सिनेमा इज .. इट सेल्फ, ये बोला है कि रिक्त स्थान में जीवन के लिए लाइफ, इसमें जीवन के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो देखिए सिनेमा के बाद में जीवन के लिए यहाँ पे आपका कैमरा नहीं होगा, लाइफ नहीं होगा, लाइफ हो जाएगा, आपका स्टूडियो नहीं होगा और हॉल नहीं होगा। आपका जो सही जवाब होगा वह होगा लाइफ, यानी जो आपका डी ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिव्स एट इट इज .. फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, बोला गया है कि नरेटर मिस्टर विलियम ने कहा, सॉरी हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, और क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे दिया गया व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबाउट एवरी थिंग्स इल्स इट इज इट अ स्टाइल एंड इन आइडम एंड शॉर्ट ऑफ .. ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड
रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे सिनेमा के लिए सब कुछ के लिए अतिरिक्त चाहिए। एक शैली, एक मुहावरा सिनेमा की एक प्राथमिकता को विशिष्ट और पहचाने जाने के लिए भारतीय होगी। अतिरिक्त स्थान में प्राथमिकता, देखिए प्राथमिकता के लिए यहाँ पे जो यूज किया गया है वर्ड का वह होगा इकोनोग्राफी, ठीक है, इकोनोग्राफी आपका ऑप्शन डी में था। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। दिया गया है कि आंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर इन डॉट डॉट बर्मा, यानी बोला गया कि आंग सान सू की बर्मा में लोकतंत्र के लिए हुई लड़ाई में, इसका जन्म हालांकि 1945 में हुआ था। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बताया गया है, तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा डेमोक्रेसी, आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। दिया गया है द नोबेल प्राइज द नोबेल पीज प्राइज वाज गिवेन फॉर सू की इन, यानी कहने का मतलब यह है द नोबेल प्राइज गिवेन यानी कब मिला था सू की को, तो ये आपका मिला था 1991 ईस्वी में, कि आपका इसका ऑप्शन डी दिया गया है सही। उसके बाद में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि द टोल्ड वुमन वाज, ठीक है, कि दिया गया है कि वृद्ध महिला बुद्धिमान थी, अतिरिक्त स्थान में बुद्धिमान के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वाइस, विश प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ यहाँ पे इस प्रकार है कि द यंग पीपुल आस्ड ओल्ड वुमन अ क्वेश्चन हुज एंसर कुड एनी ओनली बी गिवन बाई वन हु कुड, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है वर्ड देखने के लिए, देखिए हियर मिस देखना नहीं होता है, रीड मिस पढ़ना होता है, स्मेल मिस भी देखना नहीं होता है, लेकिन सी मिस देखना होता है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डॉट डॉट स्ट्रेंज हो गया ऑफ एवरिंग इम्पोर्टेंस एंड वैलिडिटी, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा मेनी MANY मेनी यानी बहुत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए कि एन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन अ मैसेज एंड क्लासेज इज नॉट ऑन ऑफ क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉट डॉट, यहाँ पे आपका जो अवसर के लिए दिया गया है तो अवसर का इंग्लिश होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में मौजूद था ओपोर्टिनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है कि मलासास डॉट डॉट केम आउट एंड स्टार्ट स्कॉल्डिंग अकुलिया मदर्स, यहाँ पे आपका मदर्स दिया गया है या मदर दिया गया है, और इसका आंसर भी होगा आपका मदर यानी माँ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए कि द टू गर्ल्स फॉरगेट देयर, यानी दो लड़की फॉरगेट का मतलब हालांकि जंगल भूलना होता है, और एंड बिकम फ्रेंड, आपका जो सही जवाब होगा एंगर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए में इसका आंसर मौजूद है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगला कुछ इस प्रकार है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी पोएट के अनुसार हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, आपका आंसर हो जाएगा आपका विलेज, कि लेखक के अनुसार हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य एवं और हेल्थ सदाचार पाए जाते हैं, हेल्थ माने लेखक के अनुसार सदाचार एवं स्वास्थ्य कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका गांव में पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा विलेजेज, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वुड ऑन सुलिटेड इज रिटन बाई, ये किसने लिखा है, तो ये आपका लिखे थे एलेक्जेंडर पोप, ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही था एलेक्जेंडर पोप। आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले लेखक और राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 5 ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछे जाएंगे कि लेखक और राइटर के नाम से। अगला दिया गया है कि द पोलीथीन बैग मेटल्स डाउन वेन अ लिटल डॉट डॉट इज अप्लाइड, तो आपका यहाँ पे गर्मी के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका हो जाएगा वार्मथ आंसर, ठीक है, वार्मथ यानी आपका ऑप्शन सी में मौजूद था। उसके बाद में है कि विद्यापतिज पोएम्स आर अबाउट राधा एंड, तो राधा एंड कृष्णा का भी सिंपल क्वेश्चन है कि विद्यापति अपने कवि में किसके बारे में, राधा और किसके बारे में अपना पोएम लिखे हैं, तो ये कृष्णा के बारे में, आपका ऑप्शन बी में। देखिए मैं हालांकि 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में हम 20 ही क्वेश्चन लिए हैं, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो देखिए काफ़ी सिंपल यहाँ पे PDF बनाया गया है इसका, देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, यहाँ पे इसका इंग्लिश है, उसका हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन करके इसका आंसर यहाँ पे बताया गया है। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इसको वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको PDF देना, तो इसका PDF चाहिए, तो ये मैथ एंड मैजिक टिप्स का जो व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट उस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ चुके हैं,
जो लोग नहीं जुड़े हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पे मैं ये पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में डाल दूँगा और वहाँ से आप पीडीएफ ये ले लीजिएगा। क्योंकि मैं हर बार जितने भी पीडीएफ बनाता हूँ या किसी से मंगवाता हूँ तो उसी ग्रुप में हर एक पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ उसमें डाल देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा पीडीएफ बनाया गया है जो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे अगर क्वेश्चन है ठीक है तो उसका हिंदी में उसका आंसर एक्सप्लेन करके तब उसका आंसर बताया गया है। तो आप विदाउट टीचर इस सभी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी तरीके से जान सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे सब्सक्राइब करवाइए तथा अपने खुद सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए नए VVIP प्रश्न के साथ जो आपके मैट्रिक में सफा 99% पूछे जा सकते हैं। अगर उस तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। हाँ, PDF के लिए दोस्तों आप व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं।